वेलकम बैक टू द नगर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। एंड अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी ड्यूटी से आए हैं और बैठ के यूट्यूब पे कमेंट देख रहे हैं जो कि आज वीडियो डाले उस पर। तो कमेंट में बहुत सारा सब कुछ आता है, तो उसमें था कि आप डेली ब्लॉग डालते रहिए, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। तो ब्लॉग में यार क्या ही डालें, हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं रहता है। कंटेंट मतलब कहीं इधर उधर जाते हैं या कुछ और चलता रहता है लाइफ में तो डालने में ठीक लगता है, मतलब कंटेंट मिल जाता है। लेकिन आप अगर ड्यूटी से आ रहे हैं, ड्यूटी से आने के बाद अब क्या ही डालें हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बस ये सीन चल रहा है अभी, माइंड में यही चल रहा था। फिर भी हमसे जितना हो पाएगा हम ये ब्लॉग भी डालेंगे और जो भी होगा आपका डॉट उस पर वीडियो डालेंगे, तो चलता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है यार। मतलब हम क्या बोले, सब्सक्राइबर जितना बढ़ता नहीं उससे ज़्यादा घट ही जाता है आजकल। एक्चुअली क्या है ना सीन, जिनका भी रिजल्ट हो गया वो लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है किसी भी कारण से वो लोग मतलब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। उनको मतलब मेरे कंटेंट से क्या ही फायदा मिलेगा, इसलिए वो अनसब्सक्राइब करें। वो भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए मतलब जैसे एक दिन में मान के चलिए 10 या 20 सब्सक्राइबर बढ़ता है तो समझिए कि 25 घट जाता है, तो माइनस में ही चल रहे हैं कितने दिन से। तो ये सीन चल रहा है लाइफ में, बट कोई नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम अच्छे से कंटेंट डालेंगे, अच्छा मतलब जो भी है अपना 100% देंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। एंड देखिएगा एक दिन हम भी बढ़िया आदमी बनेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों किसी कारण से हमको छुट्टी लेने का जरूरत पड़ गया LAP, ठीक है, बाहर जाना था किसी कारण से। तो हम कल मतलब प्लान बना कल नहीं परसों, तो हम कल जाके एप्लीकेशन दिए और आज इसका आ गया, लेकिन वो जरूरी इमरजेंसी था, तुरंत ही प्लान बना और फिर उसी दिन कैंसिल भी हो गया। तो हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दिए थे और उसी का इंटीमेशन लेटर जो है आ गया, लीव इंटीमेशन। तो वही आप लोगों को इस ये दिखाते हैं कि ये कैसा रहता है। तो LAP फॉर्म लेने के लिए आपको एक फॉर्म आता है, उस पर भर के देना पड़ता है अपना नाम और डिजिग्नेशन और ग्रेड पे मतलब पे लेवल क्या चल रहा है, और उसमें बस यही सिंपल, और किस रीजन से आपको चाहिए LAP और कितना दिन का LAP चाहिए वो आपको लिख के सिग्नेचर करके देना पड़ता है, ठीक है। तो बस वही है और वही फॉर्म दिए थे, और उसको सेंशन होने में वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है। वैसे 2-3 दिन में हो जाता है और 14 दिन तक का लेना है, और 14 दिन से ज़्यादा लेना है ना तो वो मतलब हायर अथॉरिटी जैसे हम लोगों में ADN सेंशन करता है, 14 दिन तक SSC सेंशन कर देगा। और उससे ज़्यादा जैसे साल में 14 दिन से ज़्यादा लेना है, मतलब कि 14 दिन से ज़्यादा जैसे 14 दिन का हम लिखते थे तो SSC कर दिया और एक ही दिन में यह सेंशन हो गया, ठीक है। 7 तारीख से मेरा ये छुट्टी था जो कि सेंशन हो गया, लेकिन हम जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, फिर तो हम कहीं मतलब छुट्टी यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और इसका वैसे रूल है कि 3 मंथ में हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, 3 मंथ है शायद, ठीक है, जैसे जहां तक हमको पता है, और इसको कभी भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मतलब अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ता है लेते हैं और चले जाते हैं। तो अभी ऐसा सीन हुआ कि प्लान कैंसिल हो गया, तो छुट्टी मेरा आगे है सेंशन होके, जब भी जरूरत पड़ेगा तभी करेंगे, फिलहाल ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी लग गया है भूख, टाइम हो रहा है 5 के आसपास बज रहा है, 4:45, तो 10 रुपये है, मतलब तो पैसा तो है, जा रहे हैं एक बिस्किट लेकर आते हैं खाते हैं। और अभी कुछ खाने के लिए भी नहीं, दूध भी बंद करवा दिए थे, बोले ना एक प्लान बन गया था बाहर जाने का किसी काम से, तो इसीलिए दूध भी बंद करवा दिया थे, तो दूध है नहीं फिलहाल, तो फिर बिस्किट बस खाएंगे और दूध भी शुरू करवाएंगे। और मार्केट जाएंगे तो कुछ फल जैसे एप्पल और अनार ये सब लेकर आएंगे खाने के लिए, कोई हो जाएगा। और बस और कुछ राशन का सामान भी लेना है, और शाम को इधर गांव है पस्ती, उधर निकल जाते हैं घूमने के लिए, एक दिन निकले थे मजा आया था,
और इधर क्योंकि मार्केट तरफ जाते हैं तो बहुत धूल उड़ता रहता है और मूड खराब हो जाता है, तो मार्केट जब काम रहता है तभी जाते हैं, वैसे शाम को घूमने के लिए इधर रोड बना हुआ है उसी पे टहलने के लिए निकल जाते हैं। एक दो दिन गए मजा आया तो आज भी जाएंगे। इधर ही एक छोटा सा दुकान है वहीं से ले लेंगे। इसका घर में ही छोटा सा दुकान है, बिस्किट सब छोटा मोटा सामान मिल जाता तो वहीं जाता। एक बिस्किट दीजिएगा ये पतंजलि का। यार अभी जो मतलब कमेंट पढ़ रहे थे थोड़ा देर पहले, उसमें एक आदमी कमेंट किया था कि यार तुम 3-3.5 साल से जॉब कर रहे हो और एक बैग भी नहीं रखे हो, आराम से मस्त बैग रखो और आराम से ड्यूटी जाओ। तो भैया ऐसा सीन है, बैग तो लेने के लिए हम कार भी ले लें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जॉब में अगर लग जाता मेरा NTPC में तो हम कार भी लेने का सोच रहे थे, और ले ही लेते तुरंत नहीं लेते, 1-1.5 साल में ले ले। लेकिन सीन कुछ ऐसा है ना कि जिस पोस्ट पे हैं तो ट्रैकमैन पोस्ट है, तो उसमें काम होता है 3-4 किलोमीटर के अंदर और बाय रोड, मतलब रोड वैसा है नहीं, पहाड़ी एरिया है, ऐसे ऐसे है, तो जैसे बारिश होगी तो बाइक काम नहीं करेगा आपका, साइकिल को भी कितना बार घसीट के लाना पड़ता है, ऐसा मतलब माटी उस तरह का रहता है। एक ये सीन है, दूसरा कि जब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो उसमें कंफर्टेबल बाइक से अच्छा साइकिल होता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है पहला। दूसरा कि जो सामान लेके जाना होता है वैसे ही तो जाना नहीं होता, तैयार होकर आराम से स्नान में सैंड वूड मार के जाओ, जो है आपको सामान लेके जाना पड़ेगा लोहा का ये वो, तो सामान लेके आप मतलब साइकिल में बांधना में आसानी होता है बांधने में, लेकिन उसमें बाइक में आप बांध नहीं पाइएगा, तो इसीलिए साइकिल यूज करते हैं और सब साइकिल यूज करता है, हम ही ने सब आदमी है साइकिल यूज करता है, समझे। ये मेरा कोट, तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टेशन के यार्ड में ही काम था। अच्छा, इशारा करके वो मिंटू वगैरह देखा गया तो फिर वहां से उठा लेगा बोलेगा। हाँ, जितना आप यूज कीजिएगा ना उतना ही उसमें से काटेगा। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि जैसे 9 दिन का लिया तो 9 दिन का उठा लिया होगा। नहीं, आप जितना दिन कर लिए ठीक है, वो तभी उसमें नहीं होता है मेंटेन रजिस्टर में, वो मास्टर सीट में कितना यूज हुआ है उसमें जितना दिन लिखा रहेगा उस हिसाब से उसमें। अच्छा अच्छा, तो अभी आप म्यूचुअल के लिए क्या कर रहे हैं, चल जाइएगा, जाएंगे कब जाइएगा, मिलेगा तो जाना है, कहाँ पे जाना है आपको, जयपुर में, जयपुर डिवीजन है, जयपुर डिवीजन हो गया, अजमेर डिवीजन हो गया। अच्छा, उसमें अगर मिलेगा तो अभी आप जाइएगा। हाँ, तो कोई भी लोग अगर बिहार के होंगे और अगर जयपुर डिवीजन चाहिए तो आप अगर इधर गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी से 100-150 किलोमीटर है इधर, तो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, अगर आपका अजमेर डिवीजन या जयपुर डिवीजन मिला है तो, है ना। और इसके बाद आगे बात होगी, ST आपका कैटेगरी बता दीजिए भाई। ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, और तो क्या, और बस ट्रैकमैन पोस्ट है। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-5 साल इधर घूमने में लेकिन मजा आ रहा है। 2-4-5 साल में जैसे रोड पूरा खाली हमारे घर के। ये देखिए असम का ये गांव में का सीन है, इसमें यहाँ पे रोड के बगल में लाइट लगा हुआ है, ये स्टेट है, रोड है स्टेट हाईवे, और यहाँ पर ही नहीं मतलब इधर भी पूरे जो लाइट दिख रहा है ना पूरे तरफ लगा हुआ है,
ये हर पोल में जितना भी पोल बिजली का खंभा है उसमें एक लाइट लगा दिया है, और जो भी चौराहा है उसमें जो बड़ा वाला लाइट लगा दिया, अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बिहार में देख गया तो ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं, पूरा अंधेरा रहेगा। कितना रुपया हुआ? 20 रुपया। 500 रुपया मेरे पास खुला है, होगा? नहीं, 500 रुपया का 50 रुपया उड़ाएंगे, कैसे? एक ही चीज लेना। दीजिए हमको चेंज दीजिए। तो ये अभी गाजर और चुकंदर का जूस फिर से बना, यह पीना है, और इधर खाना में बन रहा है भिंडी, भिंडी आलू का भुजिया बनेगा, और ये गाजर और चुकंदर का ये है, इससे आलू आटा गूंथ के रोटी बनेगा, तो रोटी और भुजिया बनेगा अभी फिलहाल। तो ये रहा हमारा रात का डिनर, इसमें 4 रोटी है, ये 1 आमलेट, और ये क्या ब्लॉग खत्म हो चुका है। लाइक करो, फॉलो करो।